दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल किंग में एक बार फिर से। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बहुत खुशखबरी वाली न्यूज़ के साथ आया हूँ, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। जो आपने साइंस का एग्ज़ाम दिया था, ये न्यूज़ उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है और इस न्यूज़ में खुश होने वाली क्या बात है। तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो आपने 16 मार्च को अपना साइंस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग आया था। तो जब भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग आता है तो CBSE को उसके पूरे मार्क्स देने पड़ते हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो। तो देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन कौन सा था। तो आपने क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा, जिस दोस्तों क्वेश्चन ये था कि द pH ऑफ द सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14। तो ये क्वेश्चन आपने अपने क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखा होगा। तो जो आप जिस सॉल्ट की यहाँ बात की जा रही है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। वो इतना हाईली अल्कलाइन हो ही नहीं सकता, वरना वो हमारे लिए पॉइजनस हो जाएगा। तो वो एक एडिबल सॉल्ट है, तो साफ बात है उसका pH 14 हो ही नहीं सकता है, और उसका जो pH होता है वो 8 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको 9 माना जाता है। तो ये क्वेश्चन में यहाँ पर गलती थी, इसके जो ये 14 लिखा था, इस वजह से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और वो अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट्स वेबसाइट पर कई बच्चों ने अपना रिव्यू दिया है साइंस के पेपर पर, और आपने शायद ही नोटिस किया होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपने नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अब हो सकता है कि किसी सेट में ना हो, ये सेट 2 में तो ज़रूर था, और बाकी अगर आपका सेट अलग है 1, 2, 1, 3 या 4 है, तो आप उसमें भी देखें कि ये क्वेश्चन गलत है नहीं है। तो आपको उसके पूरे मार्क्स लेने का हक है, क्योंकि CBSE जब क्वेश्चन रॉन्ग करती है तो उन्हें पूरा मार्क्स देना होता है। तो दोस्तों ये तो आपको बताना ही था कि आपको इस क्वेश्चन के 2 मार्क्स या फिर जो भी नंबर मिल रहे हैं वो ज़रूर मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो समझ नहीं आ रहा, या अगर आपको लगे कि सिलेबस के बाहर है या रॉन्ग है, कुछ भी है, अगर बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, तो आप उसको अटैम्प्ट जरूर करके आना। आप मेरी वीडियो में देख सकते थे, जो मैंने आपको वीडियो दी थी कि आपको बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे करना है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको अटैम्प्ट जरूर करके आना, क्योंकि CBSE की जिम्मेदारी है कि वो आपको पूरे मार्क्स दे उसके, और आपका हक है वो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्होंने अगर ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो तो उन्हें इस बारे में पता चल जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर नए हैं तो नीचे रेड बटन मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन मिल जाएगा उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल पर सोशल साइंस के एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके कौन से मैप आ रहे हैं, और आपको सोशल साइंस का एग्ज़ाम कैसे देना है, और आपके जो मेन कंटेंट है वो क्या आ रहा है, क्या सिलेबस है, तो उसके बारे में जानने के लिए आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ है, आप उन्हें भी जरूर देखिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।